हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लेटेस्ट जॉब निकला है एयरविंसिबल कंपनी पे। ये कंपनी है कहाँ पे और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस कंपनी का, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये कंपनी इंदौर लोकेशन पे है और एग्जैक्ट कहाँ पे है, इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको पता दे दूंगा, एड्रेस दे दूंगा। आप चेकआउट कर लीजिएगा कि कहाँ पे है और यहाँ पे होगा कैसे, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है और यहाँ पर किस पोस्ट के लिए जॉब है और आपकी क्या सैलरी होने वाली है, सारी डिटेल आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वैकेंसी निकली है अभी जस्ट 2 दिन पहले ही निकली है, हमें एक फ्रेंड के थ्रू ही ये भर्ती पता चला है। और अभी आप यदि जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए जो प्रोसीजर है उसको आप फॉलो करिए, तो उसके बाद यदि आपको मेल में आपको कॉल लेटर आता है उसके बाद ही आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाइएगा। यदि नहीं आता है तो आप डायरेक्ट यदि आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, तो ऑफिस आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। ये ऑफलाइन भर्ती भी है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट अप्लाई करने का भी ऑप्शन है, आप उस कंपनी में जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी दोस्तों BPO कंपनी है, यानी कॉल सेंटर आप कह सकते हैं, जहाँ पर कस्टमर केयर सपोर्ट और क्वालिटी में और फ्लोर इंचार्ज जैसी वैकेंसी निकली है, जहाँ पर आपको मैनेजर की पोस्ट भी शायद निकली है। आप चेकआउट करिएगा, कम्युनिटी पोस्ट में हम डाल देंगे एक आज जो पोस्ट निकला है, तो उस पोस्ट को कम्प्लीटली फोटो के साथ मैं आपको डाल दूंगा, आप वहाँ पे चेकआउट करिएगा, सब कुछ डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे आप फिर किसी फील्ड से ग्रेजुएट किए हो, लाइक आपने BE/BTEC या फिर इंजीनियरिंग या फिर आपने MBA BCA BCOM क्या किया है, इससे मैटर नहीं करता है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वहाँ पर होने का जो है चांसेस हैं आपके। और वहाँ पे जो होने का जो प्रोसीजर है दोस्तों, वहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में यदि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किस लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके हिसाब से वहाँ पर सिलेक्शन होगा। यदि आप हिंदी चूज़ करेंगे तो हिंदी में जाएंगे, यदि इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में आपको वहाँ पर देखने को जॉब मिलेगी। तो जो अभी यहाँ पर जो भर्ती निकली है, यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो आप कम्युनिटी में आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप वहाँ पे मेल भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप चेकआउट करिए, वहाँ पर आप डायरेक्ट बात करिए, उसके थ्रू आपका जो है तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों, यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इंदौर लोकेशन में, तो यदि आपको नहीं पता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर रूम लेना है और एक्चुअल में खाने की व्यवस्था कहाँ पर आपको करना है, सस्ते रूम कहाँ पर मिलते हैं, इन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें जानने में और समझने में आसानी होगी। और आप जब जॉब लेने के लिए आएंगे तो आपको इन चीज़ों में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कंपनी भी पता रहेगी, आपको एड्रेस भी पता रहेगा और दोस्तों आपको कहाँ पे रूम लेने के लिए जाना है, सारी डिटेल आपको पता रहेगी, तो आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई फ्रेशर आता है तो वो जॉब के चक्कर में कंसल्टेंसी में पहले ही फंस जाता है। दोस्तों, इस जॉब के लिए कोई भी कंसल्टेंसी फीस नहीं है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप आइए डायरेक्ट और आप घर बैठे ही उसे पता कर सकते हैं, मेल के थ्रू डायरेक्ट पता करिए। और यदि वैकेंसी है तो आप 100% कॉल लेटर आ जाएगा, आपको मेल आ जाएगा, वहाँ पर आप रिज्यूम डालिए, अपना रिज्यूम डालेंगे तो वहाँ पर आपको कॉल लेटर आएगा, यानी इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, मैसेज आता है आपको मेल में, तभी आप यहाँ पर आइएगा। अदरवाइज यदि आप हैं अभी इंदौर लोकेशन में या फिर इंदौर के आसपास कहीं पे हैं तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। एड्रेस मैं कंपनी का नीचे दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आपका PF ESIC जो नॉर्मल कंपनियों में मिलता है वो मिलेगा ही, और आपको सैलरी जो है तो यहाँ पे बताया नहीं गया है, आप इंटरव्यू बेस्ड पर आपकी सैलरी डिसाइड की जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि 12,000 से अबव ही आपकी सैलरी यहाँ पर देखने को शायद मिल सकती है, बट सैलरी क्लियर मेंशन नहीं की गई है। दोस्तों, यदि आप अभी फ्रेशर हैं, टेक्निकल हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप कहाँ पर जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, कहाँ पर हमें जॉब सर्च करके आपके लिए फाइंड आउट करके बताना चाहिए, ताकि आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिल सके। आप मुझे कमेंट करके बताइए तो 100% यहाँ पर आपको हेल्प मिल जाएगी। धन्यवाद, विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।